नमस्कार, मेरा नाम सत्यम साहिल और आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं शिवहर से लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पे, जिस गांव का नाम घुसुकपुर है, वहां पे हम मौजूद है। कल यहां पे देर रात में कुछ घटना घटी है, उसके बारे में हम यहां पे जानकारी लेने आए हैं। जैसा कि आप तमाम दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि शिवहर जो जिला है बहुत छोटा जिला है उत्तर बिहार का, और लगभग 5 से 6 लाख यहाँ की जनसंख्या है। और यहाँ पे आए दिन अक्सर यहाँ पे मर्डर का जो मामला है अक्सर होता ही रहता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि महीना में 3-4 मर्डर तो हो ही जाता होगा। पता नहीं यहाँ का पुलिस प्रशासन, हमारे जो एसपी महोदय हैं, डीएसपी महोदय, पता नहीं कान में सरसों का तेल डाल के सोने का काम कर रहे हैं। मर्डर होता है लेकिन उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। यहाँ पे कुछ ग्रामीणों के द्वारा हमें पता चला है कि कल देर रात जो यहाँ पे घटना जो घटा है ना, उसमें पुलिस प्रशासन के सामने जो प्रतिद्वंदी आदमी था और जिसका मर्डर हुआ, पुलिस के सामने ही अटैक हुआ। जैसा कि आप स्पॉट देख सकते हैं, यही वो जगह है, यहाँ पे जहाँ हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे पुलिस प्रशासन मौजूद था। और ये इधर गड्ढा भी है, गड्ढा में इधर लड़ाई हो रहा था लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें जाकर किसी को बचाने का काम नहीं किया। यहीं से खड़ा होकर के कुछ ग्रामीणों के अनुसार हमें पता चला है कि सीधे पुलिस वाला यहाँ पे बोल रहे थे कि जाके पकड़ के ले आओ, लेकिन वहां पे जाने के स्पॉट पे जाके बचाने का काम कोई नहीं किया है। हम यहाँ पे कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे और हम ग्रामीण से जानेंगे कि यहाँ का पूरा घटना क्या है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। जैसा कि हमारे साथ यहाँ पे कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि कल घटना जो घटी है उसके बारे में हम पूर्ण जानकारी। आइए हम बात करते हैं कुछ ग्रामीण से। जी बताइएगा। जी हुआ से वो खाना खा कर आ रहा था छतवनी से, ठीक, दूरा पर आया तो वो लाठी लेकर चार्ज करने लगा। लाठी जब चार्ज किया तो वो भागने की कोशिश किया तो जाके आगे घेरा गया। अच्छा, जिस टाइम लाठी चार्ज किया उस टाइम वहाँ पे गांव के कुछ लोग मौजूद थे या नहीं? सब गांव थे, हम तो मौजूद थे, तो वहाँ पे आप लोग बचाने का काम नहीं किया? बचाने के काम की भी किए, हम भी टाइट होकर उसको दोनों का साइड किए, तभी भी वो आगे से जाके ऐसे जाके घेर के आगे से घेर लिया। रस्सी भी रखा था साथ में बांधने के लिए, तो रस्सी भी साथ में रखा था, रस्सी भी दिखाई दिए आपको। जो रस्सी प्रशासन उधर से आ गया तो हम लोग प्रशासन के सामने में कुछ बोल सकते हैं? तो एक लिए प्रशासन प्रशासन होता है, प्रशासन तो जनता की रक्षा करने के लिए। प्रशासन आया उसके बाद प्रशासन क्या काम किया? प्रशासन उसको पीछे लग गया, पीछे लग गया, जो झगड़ा हुआ था वो भी पीछे लग गया उसको मारने के लिए। यहाँ पे आया पानी में भागा, पानी में आया तो देख रहे हैं गहरा, वो गहरा में फंस गया तो उसको मंगतपुर लाठी मार दिया। अब प्रशासन कर रहा है टोच मार के, हुए पकड़ के लिया, यही नहीं है तो प्रशासन वहाँ लाठी चला रहा है, बाकी उसको दोनों बाप से लाठी चला रहा है, बाकी उसको कोई सुनवाई नहीं था। जैसा कि आप इनके बयान से ये जानकारी मिला कि प्रशासन के सामने में, कह सकते हैं कि प्रशासन के सामने में ही मर्डर हुआ है, लेकिन इस पे पुलिस प्रशासन का कोई अपना ये ध्यान नहीं है। और आप कुछ और बता रहे थे कि जैसे रात में पुलिस, महिला पुलिस आकर के उठा के ले गई, उसके बारे में? जो जब लाश यहाँ पे 10:30 में लाश दूरा पर आ गया, जो प्रशासन का मालूम हुआ अभी लाश आ गया तो प्रशासन 1 बजे रात के महिला पुलिस चार आके ले गया, बाकी प्रशासन खुद नहीं है, बड़ा बाबू चाहे कोई भी दरोगा। जैसा कि यहाँ मर्डर होने के बाद यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन नहीं हुआ, रात के लगभग 12 से 1 बजे के आसपास में महिला पुलिस के द्वारा उसका बॉडी ले गया, मृतक का बॉडी लेकर जाया गया, पोस्टमार्टम के लिए ले गया है, पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन का कितना बड़ा कमी है, आप तमाम इनके बयान से आप लोगों को पता चल गया होगा। जैसा कि पुलिस खुद खड़ा रह करके अपने सामने में मर्डर करा सकती है, यहाँ पे शिवहर के जिला का यही है शिवहर जिला, और यही है यहाँ पे सुपर हिट लीला होता है पुलिस के द्वारा। यहाँ पुलिस प्रशासन कोई अपना काम ढंग से नहीं करती है। जैसा कि पहले भी हम बताए हैं कि यहाँ पे अक्सर शिवहर जिला में, छोटा जिला है, 5 से 6 लाख जनसंख्या वाला जिला है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा मर्डर होता है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन कोई सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते हैं। कि आप तमाम लोगों को बताना चाहेंगे कि ये जो अपराधी है, लगातार 10-15 सालों से अभी तक इसने 4 अपराध किया, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे साथ एक यहाँ पे महिला मौजूद है जिनके हस्बैंड का लगभग आज से 10-11 साल पहले मर्डर कर दिया गया था, और आइए इनसे हम कुछ जानना चाहेंगे। हाँ बताइएगा आप। हमको हस्बैंड के 11 साल पहले मार दिलक, ले जाके घर में हमारा बैल रहे ना दूगो, तो झगड़ा झुगड़ी भेल रहे तो हमारे गार्जियन कहलक से तू घर में चल जा, घर में चल जा, से हम एलन बैल के रखवारी करे ले, तो हमारा गार्जियन के हम घर में चल गली, हमारा गार्जियन के ले जाके कोभी के खेत में मार दिलक, आ पोखरा पर भिंडा पर ले जाके ओकरा झोकार उकार दिलक, आ झोकार उकार के की कहलक से ओकरा
मैंने अथी कर दिया, बिहान खानी हल्ला हुआ तो कहा कि हम नहीं, वे आदमी सब आदमी सब तक खोजा था, वो आदमी कहा पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया उस पर, कार्रवाई किया गया तो कोई आदमी गांव समाज गवाह नहीं दिया, से ओकर अपन आदमी ओकर भाई मैंने मर्डर कर दिया है, तो उसको मामला में हम फंसने नहीं जाएंगे। जो हुआ घटना देखे हुए देखे हुए से दोनों आदमी से झगड़ा झुगड़ी हुआ, ओकर बाद में प्रशासन आया तो इसको खेटने लगा, आगे आगे रोहित सहनी खेट ले लगा, और पीछे पीछे रोहित सहनी जो मारा उसका नाम है, हाँ उसका जो मर्डर किया है उसको नाम है रोहित सहनी, खेटने लगा प्रशासन पीछे पीछे खेटा, उधर गोरा के अंदर पानी है तो पानी के अंदर प्रशासन नहीं गया, उसको अंदर मार चुका उसको। और यहाँ पे एक व्यक्ति और मौजूद है जिनका आज से कुछ दिन पहले जमीनी विवाद हुआ था, जिसके लेकर उसमें इनका मार का हाथ भी तोड़ दिया गया, आइए उनका हम स्टेटमेंट लेते हैं। अभी आइए इधर आप आ जाइए, मार के हाथ तोड़ दिलक बताइएगा क्या हुआ था आपके साथ घटना। घटना हुआ तो पहले कहा जमीन दीजिए, तय हो गया था 15,000 रुपया, हमें घर वाली कहा नहीं जमीन बेचेंगे, वह हम जाके इनकार गया, वह हमको मार के हाथ तोड़ दिया। जमीनी विवाद को लेकर के इनका हाथ भी यही रोहित कुमार के द्वारा, जो अपराधी है, लगातार 4 घटना को अंजाम दे चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं, इनका हाथ देख सकते हैं आप, इनका मार झगड़ा में हाथ तोड़ दिया गया। अभी जो कल देर रात जो घटना घटी है जिसमें मर्डर हुआ, हम उनके घर पे मौजूद हैं और उनके घर के कुछ सदस्य के द्वारा हम जानकारी लेना चाहेंगे, आइए हम जानते हैं। हाँ बउआ आइए बताइएगा क्या हुआ। पहले वो लड़की थी ना, पापा वहाँ से आए थे, मुखिया वहाँ से आए थे, पापा खड़ा हो गया, छोरी आई है, पापा कुछ कहा उल्टा सीधा फंसा देता है, पापा इधर खड़ा था, छोरी आकर बांस चिरा दी, पापा जब गया मारने तो उस समय सौता मिल गया, पापा को पता चला सौता मारने लगा, उसे तब प्रशासन बुला दिया, प्रशासन उसे तब बुलाया गया था। तो हम बताना चाहेंगे कि लगभग घर जो है जिसका मर्डर हुआ यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है, और ये खेत है जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे जिसने मर्डर किया उसका ये उसी का ना फोन है, ये उसी का फोन है, और यहाँ पे देख सकते हैं बैगन का पेड़ है, ये भी टूटा पड़ा हुआ है, लगता है कि यहाँ पे धक्का मुक्की कस के हुआ, और यहाँ पे कुछ ब्लड भी दिख रहा है। जैसा कि आप तमाम लोगों को बताना चाहेंगे कि मर्डर होने के बाद यहाँ से पुलिस प्रशासन भी था, लेकिन पुलिस प्रशासन भी यहाँ से चला गया, और जिसने मर्डर किया वो भी यहाँ से भाग गया, और यहाँ पे मर्डर कर देने के बाद मृतक का शरीर यहीं पे पड़ा हुआ था, और लगभग कुछ देर हो जाने के बाद उसके घर में जब वो नहीं पहुंचा तो उसके बाद कुछ ग्रामीणों ने कहा कि कहाँ चला गया, उसके बाद सब लोग ढूंढते यहाँ पे आए और देखा कि यहाँ पे उसका मृत शरीर पड़ा हुआ है, तो उसके बाद यहाँ से ग्रामीणों ने ले जाने का काम किया, और बाकी पुलिस प्रशासन यहाँ पे कितना विफल है, इसलिए हम पुलिस प्रशासन से और बिहार सरकार से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपने पुलिस प्रशासन के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई कीजिए, ताकि वो घटना स्थल पे पहुंच के लोगों का सहयोग करे। पुलिस प्रशासन लोग की सेवा के लिए होती है, न कि लोग को कुचल कर मारने के लिए होती है। धन्यवाद।